अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अर्निंग स्किल लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल। एमएस वर्ड 2019 के आज के लेसन में हम देखेंगे कि किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट पर स्ट्राइक थ्रो कैसे अप्लाई किया जाता है, सबस्क्रिप्ट कैसे अप्लाई किया जाता है, सुपर स्क्रिप्ट कैसे अप्लाई किया जाता है और किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट में चेंज केस कैसे लाया जाता है। तो लेसन शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स या दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल के आइकॉन को ऑल पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जी स्ट्राइक थ्रू क्या होता है। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है जी, ड्रॉ ए लाइन थ्रू द मिडल ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट के दरमियान में एक लाइन जो लगाई जाती है ना, उसको हम स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फ्रेंड पे स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने जी फिक्रा टाइप किया हुआ है जी, ही इज आवर फ्रेंड, और मैं फ्रेंड पे आपको स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करके दिखाऊंगा। स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि फ्रेंड को करूँगा सिलेक्ट। फ्रेंड को सिलेक्ट करने के बाद मैं होम की सब टैब फोन में जाऊँगा। फोन में यहाँ पे आपको स्मॉल ए बी सी लिखे नजर आ रहे होंगे। जैसे मैं इस पर अपना एरो लेके जाता हूँ तो नीचे एक पट्टी नज़र आ रही है अभी जिस पे लिखा होगा स्ट्राइक थ्रो। इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं होती है, जस्ट इसको सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने के बाद आप इस पे करेंगे क्लिक, तो जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा जी फ्रेंड पे स्ट्राइक थ्रो अप्लाई हो गई है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, सिलेक्ट करने के दोबारा इसी ए बी सी स्मॉल लेटर्स पर क्लिक करूँ तो मेरा ये स्ट्राइक थ्रो खत्म हो जाएगा। अगर मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा स्ट्राइक थ्रो इस पर अप्लाई हो जाएगा। अब हम जानेंगे जी सबस्क्रिप्ट क्या होता है। क्रिएट स्मॉल लेटर्स बिलो द टेक्स्ट लाइन। सबस्क्रिप्ट क्या होते हैं जी, जो लेटर्स के नीचे छोटे वर्ड लिखे होते हैं उनको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि केमिस्ट्री के आपने फार्मूले देखे होंगे, उनके नीचे न्यूमेरिकल वर्ड आ रहे होते हैं जो कि किसी खास एलिमेंट की तादाद को किसी कंपाउंड में जाहिर करते हैं, तो वो बेसिकली सबस्क्रिप्ट के तरीके से ही अप्लाई किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड टाइप करके दिखाऊंगा कि आप कैल्शियम क्लोराइड कैसे टाइप कर सकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड में Cl के नीचे जो 2 आ रहा होता है वो सबस्क्रिप्ट के तरीके से लिखा जाता है CaCl2। इसमें देखें जी कैल्शियम का एक एलिमेंट और क्लोराइड के 2 एलिमेंट है, और क्लोराइड में जो 2 नज़र आ रहा है ना, आपको जो 2 टाइप हुआ नज़र आ रहा है वो Cl2 के नीचे जाएगा, जिसे हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो सबस्क्रिप्ट अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 को करेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हम होम की सब टैब फॉन्ट में, और फॉन्ट में यहाँ पे स्मॉल लेटर्स ए बी सी स्ट्राइक थ्रू के बिल्कुल साथ में आपको सबस्क्रिप्ट नजर आ रहा होगा, यानी कि एक्स लेटर लिखा हुआ है और इसके नीचे 2 लिखा हुआ है, ये बेसिकली सबस्क्रिप्ट है। और इसकी शॉर्टकट की होती है जी कंट्रोल प्लस मसावी। तो मैं इस पर जैसे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा CaCl2 बन गया, जो 2 है वो Cl के नीचे चला गया है, यानी कि उसका सबस्क्रिप्ट बन गया है। तो अब हम जानेंगे जी सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है। क्रिएट्स स्मॉल लेटर्स अबव द लाइन ऑफ टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट के ऊपर जो छोटे लेटर्स या न्यूमेरिकल वर्ड लिखे होते हैं वो बेसिकली सुपर स्क्रिप्ट के तरीके से ही लिखे जाते हैं। सुपर स्क्रिप्ट को यहाँ पे मैं आपको 2 एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। पहले हम मैथ में इसकी एग्जांपल्स ले लेते हैं। यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वर्ड एक्स की पावर बन के आ रहा होता है, मसलन एक्स की 3 जमा एक्स की 2 जमा एक्स। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो 3 और 2 हैं वो x की पावर बन जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि 3 को और 2 को करूँगा सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हम भी सब टैब फॉन्ट में जाऊँगा और आपको यहाँ पे x के ऊपर छोटा सा 2 यानी कि 2 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ये बेसिकली सुपर स्क्रिप्ट है। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको नजर आ रहा होगा कि मेरा जो 3 और 2 हैं वो एक्स की पावर बन गए हैं, यानी कि एक्स की 3 जमा एक्स की 2 जमा एक्स।
तो मैथ में अलजबरे में जितने भी फार्मूले पावर में लिखे जाते हैं वो सुपर स्क्रिप्ट की मदद से लिखे जाते हैं। अब यहाँ पे मैं एक वर्ड टाइप करता हूँ एडी डास, और मैं चाहता हूँ कि एस जो है ना मेरा सुपर स्क्रिप्ट बन जाए। तो मैं क्या करूँगा, एक्स को सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक्स के जो सुपर स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन है उस पर करूँगा क्लिक, तो एक्स मेरा सुपर स्क्रिप्ट बन गया। अगर मैं कंट्रोल जी करूँ तो ये दोबारा रीडू हो के वापस एडिडास बाकी लेटर्स के बराबर आ जाएगा। तो हमने स्ट्राइक थ्रू भी देख लिया, सब स्क्रिप्ट भी देख लिया, सुपर स्क्रिप्ट भी देख लिया। अब हम देखेंगे चेंज केस। चेंज केस क्या होते हैं जी, बेसिकली बेसिकली चेंज केस जो होते हैं ना वो सिलेक्टेड टेक्स्ट को तीन डिफरेंट तरीकों में टाइप कर देता है। नंबर वन पे अपर केस। अपर केस से क्या मतलब है जी, अपर केस जब हम अप्लाई करेंगे ना अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट पे तो जितना भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा ना वो कैपिटल लेटर्स में तब्दील हो जाएगा, सारे के सारे बड़े हरूफ आएंगे। और फिर लोअर केस, लोअर केस को जब हम अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट पर अप्लाई करेंगे ना तो जितने भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होंगे वो स्मॉल लेटर्स में तब्दील हो जाएंगे। और इसी तरह के अदर कॉमन कैपिटलाइजेशन होती है तो वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। चेंज केस को समझाने के लिए यहाँ पे मैंने जी एक सेंटेंस टाइप किया हुआ है जी, ही इज माई गुड फ्रेंड। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा जी, ही इज माई गुड फ्रेंड को करूँगा सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद होम की सब टाइम में जाऊँगा और आपको यहाँ पे एक बड़ा लेटर ए, एक स्मॉल लेटर ए टाइप यानी कि लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो इस पर करूँगा। इसके साथ जो छोटा सा एरो है इस पर करता हूँ क्लिक, तो मेरे सामने जितने भी चेंज केस हैं वो सारे के सारे ज़ाहिर हो जाते हैं। सबसे पहले जी सेंटेंस केस, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा सेंटेंस केस है जी, ही इज़ माई गुड फ्रेंड बाई डिफ़ॉल्ट सेंटेंस केस ही होता है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद लोअर केस पे क्लिक करता हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा जितना भी सिलेक्टेड टेक्स्ट था सारे का सारा लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर्स में तब्दील हो गया। पहले मेरा ही का एच जो था ना वो कैपिटल था, अब ही का एच जो है ना वो भी स्मॉल लेटर्स में तब्दील हो गया। अब मैं दोबारा इसको करता हूँ सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद वहीं जाता हूँ, वहीं जाने के बाद अपर केस पे सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं अपर केस सिलेक्ट करता हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा मेरा सारा का सारा सेंटेंस कैपिटल लेटर्स में तब्दील हो चुका है। एच ई ही यानी कि साथ इज माई गुड फ्रेंड सारे का सारा जो सेंटेंस है ना वो कैपिटल लेटर में तब्दील हो चुका है। अगर इसमें मैं करूँ दोबारा सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद वहीं चेंज केस में जाऊँ, चेंज केस में जाने के बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो जैसे मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड करता हूँ तो आपको नज़र आ रहा हो कि हर वर्ड का पहला जो लेटर है ना वो कैपिटल हो गया और बाकी सारे के सारे स्मॉल हैं। ही में एच कैपिटल है, इज में आई कैपिटल है, माई में एम कैपिटल है, गुड में जी कैपिटल है, फ्रेंड में एफ कैपिटल है। अगर मैं इसको दोबारा करूँ सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद वहाँ जाऊँ और करूँ टॉगल केस। टॉगल केस क्या है जी, टॉगल केस क्या करता है जी, अगर मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करूँ, सेलेक्ट करने के बाद वहीं चेंज केस में जाऊँ, चेंज केस में जाने के बाद करूँ टॉगल केस, तो टॉगल केस क्या करता है जी, टॉगल केस ये करता है कि आपका जो ना हर वर्ड का पहला लेटर होता है उसको स्मॉल कर देता है, बाकी आगे वाले जितने भी लेटर्स होते हैं उनको कैपिटल कर देता है। ई में देखें जी एच स्मॉल है, ई बड़ा है, इज में देखें आई स्मॉल है, इज बड़ा है, माई में देखें एम स्मॉल है, वाई बड़ा है, गुड में देखें जी स्मॉल है, डबल ओ डी बड़ा है, फ्रेंड में देखें एफ स्मॉल है, एफ आर आई ई एन डी बड़ा है। ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेसन में आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अगर कुछ ना कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।